हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है चावल का पापड़ जो अच्छी तरह से बन चुका है और ये मेरी चची ने घर पे ही बनाया है। तो चलिए आपको आज हम इस पापड़ के, इस चावल के पापड़ की रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ले लीजिए, ये चावल का आटा। ये मार्केट में बहुत ईजली अवेलेबल होता है क्योंकि होली आने वाली है और ऐसा हो नहीं सकता कि होली में आप घर पे पापड़ या चिप्स ना बनाएं। तो कुछ फेस्टिवल सुना सुना लगता है। तो ये देखिए, एक कटोरा ये चावल का आटा है, इसको मैंने ले लिया। जो एक बाउल है, इसी बाउल से हम पानी भी लेंगे और इसी से मैंने आटा भी लिया है। तो ये 6 बाउल हम पानी ले लेंगे। एक बड़े से पतीले में नॉर्मल ठंडा पानी जो आप यूज़ करते हैं पीने के लिए, उसको ही यूज़ करना है। तो ये देखिए, 6 बाउल मैंने पानी लिया है। इसको काउंट ज़रूर कीजिएगा और उसी बाउल से लीजिएगा जिस बाउल से आप आटा लिए हैं। तो आप पहले अच्छे से पानी को मिक्स कर दीजिए एक पतीले में। तो ये चची ने रेसिपी बनाई तो मुझे लगा कि मैं आप लोग से शेयर करूं। और पतीले को आप गैस पे मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लीजिए, पानी को गर्म नहीं करना है। जैसे ही आप चढ़ाएंगे वैसे ये एक बाउल आटे को, मतलब चावल के आटे को, इसमें मिक्स अच्छे से मिक्स कर देना है। गर्म पानी में नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाना है, मतलब चलाना है। सॉरी, ये कुत्ता बोल रहा है। और अब धीरे धीरे इसको देखिए अच्छे से कलछुल से या जो भी चीज़ आपके पास है किचन में जिससे आप चलाते हैं, तो अच्छे से इसको देखिए चलाएंगे, मिक्स करेंगे ताकि ये लेई जैसा ना हो जाए। और ये बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा मुझे गाढ़ा लगा तो मैं इसमें 3 कप और, मतलब 3 बाउल पानी और ऐड करूँगी, कप नहीं बाउल। तो देख लीजिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसके बाद फिर मैं इसको पकाऊंगी, कम से कम 10 से 15 मिनट पकाऊंगी, जब तक ये लेई जैसा ना हो जाए। क्योंकि ये जितना अच्छा पकेगा उतना ही अच्छा ये पापड़ हमारा बनेगा। और ये देखिए, अब मुझे लग रहा है कि ये हमारा गाढ़ा हो गया है और आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा लेई जैसा हो गया है। ये बहुत यमी होता है, बहुत अच्छा होता है क्योंकि घर का है तो हेल्दी भी होगा। और ये देखिए, लेयर जैसा छूटने लगे ना तो आप समझ जाइए कि ये अब रेडी हो गया है पापड़ बनने के लिए। तो यही इसकी पहचान है। तो ये आप देख लीजिए, तो बस ये हमारा रेडी हो गया है। और अब इसमें हम अपने स्वाद अनुसार जितना आपको नमक खाना है, नमकीन, उतना नमक आप इसमें ऐड कर दीजिए। लेकिन बनने के बाद जब बिल्कुल लास्ट टाइम है तभी इसमें नमक को ऐड करना है। और उसके बाद थोड़ा सा हम इसको और मिक्स कर लेंगे। ये आवाज़ बेटे की आ रही है, थोड़ा इसको इग्नोर कीजिए, स्किप कीजिए, ये शरारत करते रहते हैं। और ये देखिए, हमारा रेडी हो गया। और अब जो है, और हम इसमें चिली फ्लेक्स जो होती है, अक्सर आप घर पे पिज़्ज़ा मंगाते हैं तो वो अवेलेबल हो ही जाता है, और ये मंगरेला जो अचार में पड़ता है, इन दोनों को भी आप मिक्स कर लेंगे। और ये महीन महीन कटे हुए धनिया की पत्ती, वाओ, धनिया की पत्ती का तो फ्लेवर ही अच्छा होता है। और अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल खड़े मिर्चे को तवे पे भून करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, ऐसे हाथ से चुरचुरा करके। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ना। और अब हम इसको दिखाएंगे कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। तो कलछुल से हल्का सा आपको इसको लेना है और इसको गोल गोल अपने बहुत ही, मतलब हल्के हाथ से इसको फैला देना है। तो ये देखिए, पापड़ हमारा बन गया। तो कम से कम आपका एक बाउल आटे में कम से कम आपका 50 से 100 पापड़ बन सकता है। वो डिपेंड करता है आप किस साइज़ का बना रहे हैं। तो मैं जिस साइज़ का बना रही हूँ उस साइज़ का तो आराम से 100 बनेगा पापड़। और ये पॉलीथीन मैंने लगा ली है, नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है, और उस पर मैंने तेल भी बिछा लिया है। ध्यान रखिएगा कि ऑयल ज़रूर लगाना है पॉलीथीन पर। फिर मैं इसको धूप में सुखाने के लिए रख दूँगी। और ये एक दिन, सिर्फ एक दिन धूप में सुखाने के बाद आप खुद देखेंगे, मैं आपको दिखाती भी हूँ कि सूखने के बाद ये कैसा है। तो आप ये देखिए, ये हमारा एक दिन में ये पापड़ हमारा रेडी हो गया। कोई मेहनत नहीं, कोई तामझाम नहीं, और बहुत अच्छा और बहुत यम इसका टेस्ट है। तो प्लीज़ एक माँ बेटे की दुनिया में ये रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। और ये देखिए, मैं आपको तल के भी दिखा रही हूँ, ये कितना अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कुरकुरा पापड़ रेडी हो गया। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।